लक्षण आते हैं वो पहले तकरीबन हमें लंबे कमाए लंबे कमाए की चढ़ाई है उसमें हर एक पीले भी है चावल उनके लिए जरूरत भी है सिर्फ स्टोर वाले भी नहीं दे रहे हैं और वहाँ से वो आंगनबाड़ी सेंटर वाले जो है वो भी नहीं दे रहे हैं तो दूसरी फूड वालों की तरफ जो है मिशन यूथ से लार से आए हुए हैं तो कैंडी आप बता दें क्या उसमें मेंबर्स को चुना इसमें 50-60 तो इस हिसाब से लेकिन अभी तक उसके ऊपर किसी भी किस्म का कोई काम शुरू नहीं हुआ है। मसला हमारा वो है रोड मैपेशन का क्योंकि हमारे बहुत सारे वहाँ पे रोड का अभी वहाँ पे वो जो डाला गया लेकिन अभी रोड मैपेमाइज नहीं हुए। हमारे ब्लॉक में एक मसला है जो हम नरेगा का काम करते हैं या रोड अगर थोड़ी सी अगर उसमें मरम्मत की जाए ताकि वो लोगों के लिए मिनी बस के लिए चलने के काबिल बन जाए। मैडम इलाके से हैं तो हमारा मसला है वो लिफ्ट एलिगेशन का अगर वो हो जाए हमें हम कहीं कैसे रोड का जी गवर्नमेंट मिडिल एक और मसला है हमारे ब्लॉक में 8 साल से टेक्निकल स्टूडेंट एक ही जगह है इस वक्त सिर्फ एक टीचर है दो टीचर वहाँ पर है तो वहाँ की जो वहाँ का जो हम कि हमने पैसे गुजार रहे थे उसके लिए वो अभी तक क्लियर नहीं हो गए। थैंक यू वेरी मच। कहना जरूरी है वो है कि हम कैसे कोविड के थर्ड वेव से अपने आप को बचा सकते हैं। हम सब लोग इतना टीवी देखते हैं इतना न्यूज देखते हैं आप सबको पता होगा कि वैक्सीनेशन और उसके साथ साथ जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है जो कि है मास्क लगाना थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना नॉर्मल अपनी साफ सफाई रखना इतनी ज्यादा साइंटिफिक एविडेंस अब इसको लेकर के आ चुकी है। आप मुझे खुद बताइए लोग इनफर्टिलिटी बच्चा और इसकी बात कर रहे हैं अगर जान ही नहीं बचेगी तो आप आगे क्या करेंगे और बाई चांस वो इन्फेक्शन हो गया उसने आपके शरीर को कुछ और इररिपेयरेबल डैमेज कर दी तब आप क्या करेंगे। मतलब मुझे लगता है कि थोड़ा और हमें इसमें लॉजिकली सोचना चाहिए। गांव वाइज देख रही हूँ 139 रेवेन्यू विलेज वाइज में देख रही हूँ कि किस गांव में सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस है किस गांव में सबसे ज्यादा आसानी से वैक्सीनेशन हो रहा है। इसके लिए अगर आप अपने खुद के लोगों को नहीं कन्विंस कर पा रहे तो आगे हमें क्या बोलना चाहिए कि भाई 9 बजे हमारे गाँव में लोग नहीं मिलेंगे 11 बजे हमारे गाँव में लोग नहीं मिलेंगे सुबह मिलेंगे 7 बजे या फिर शाम में मिलेंगे 5:30-6 बजे आप तब आ जाइए साथ रहेगी और रहेगी इंशाल्लाह जरूर जो आपने यहाँ हिदायत दी हमारी ऊपर इंशाल्लाह हम पूरी जिम्मेदारी निभाएंगे अपने हल्कों में अपने इलाके में इंशाल्लाह हम पूरी मदद करेंगे कल से इंशाल्लाह शुरू करेंगे साथ जिन आपने रखा है कहीं से आ रहा है कि हाँ हम सबने मिलकर के इसमें अच्छा काम किया है। हाँ, जो अगली बार वो आया था उसमें जो ठीक होनी चाहिए रफ्तार हाई स्कूल में वहाँ बहुत प्रॉब्लम है बच्चे लोन भी जाना है वहाँ। सब्सक्राइब मेल प्रेस बेल आइकन नेवर मिस एन अपडेट।